नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका फीलिंग्स क्या रहेगी आपके प्रति, क्या वो एक्शन लेंगे, अगर एक्शन लेते हैं तो क्या, और गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आपको पता ही है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी इन 72 घंटे में, और उनका एक्शन क्या रहेगा, आपके क्या फीलिंग्स रहेगी उनके प्रति, और गाइडेंस। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके प्रति क्या रहेगी। कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द हार्मेट का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपका पर्सन आपकी प्रति क्या फील करते हैं इन 72 घंटे में। 72 घंटे में वो आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत चाहते तो है, द हार्मेट का कार्ड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन वो रुके हुए हैं। वो जानते हैं आपकी स्टेबिलिटी, आपकी पावर, आपका पोजिशन, और वो ये भी जानते हैं कि आप भी रुके हुए हो, आप भी अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, क्योंकि फ़िलहाल उनको लगता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी पैसों, अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, इसलिए वो आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत चाहते तो है लेकिन वो रुके हुए हैं। और उनको ये पता है कि आप भी उनके साथ रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो लेकिन आप भी रुके हुए हो। तो इन 72 घंटे में उनकी जो एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत ही पुराना रिश्ता है, आप लोग दोनों बहुत ही ओल्ड सोल हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, आपका जो रिश्ता है बहुत पुराना है, लेकिन उनको ये लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, वो भी सब कुछ जानते हैं, वो आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन आप भी अपना इमोशन हाइड करके बैठे हुए हो, अभी आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, अभी आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद का पैसा, खुद का पोजीशन, खुद का स्टेबिलिटी, आप इसीलिए इस रिश्ते की अच्छाई बुराई सच्चाई आपको सब पता है, फिर भी आप रिश्ते में कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। उनका ये सोच है आपको सब पता है फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो ना लोगे, क्योंकि आप रुके हुए हो, फिलहाल आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, आपके पास अभी प्यार के लिए वक्त नहीं है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, पैसा बनाना चाहते हो, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, लेकिन नई शुरुआत उनके साथ रिश्ते में भी चाहते हो लेकिन आप कुछ नहीं करोगे। अब देखते हैं आप क्या सोचते हो, आपका क्या सोच है उनके बारे में इन 72 घंटे में। लियो आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आपका क्या सोच रहेगी इन 72 घंटे में। आप भी वही सोच रहे हो। कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप भी ये सोच रहे हो कि वो भी चुप है, वो रिस्क लेना चाहते हैं रिश्ते में, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, जल्दबाजी में आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में वो चल रहा है, या फिर आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर वो अपनी लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहा है जो आपके साथ उनका हुआ था, लेकिन नई शुरुआत वो भी चाहते हैं, इसीलिए वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है, वो चुप है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं इन 72 घंटे में। अगर वो चाहे तो एक्शन ले सकता है,
ले भी सकता है लेकिन वो नहीं ले रहा है क्योंकि उनका जो माइंड है वो उनको रोक रहा है, वो परेशान है, वो उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है जो पहले आप लोगों में हुआ था। इसीलिए वो भी अपना इमोशन हाइड कर रहा है आपसे, वो चुप है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन एक्शन लेना वो भी चाहते हैं। अगर हो सके तो बहुत जल्द वो कोई एक्शन लेगा। हो सकता है बहुत दिनों से वो चुप बैठा है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिनों से अगर वो चुप बैठा है, अगर उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो बहुत जल्द एक एक्शन ले सकता है क्योंकि आपके साथ रिश्ते में जो बंदा है वो रिस्क लेने वाला बंदा है। वो इस रिश्ते में फिर एक बार रिस्क लेना चाहता है लेकिन वो चुप थे पहले। किसी किसी के लिए जो पहले चुप थे, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, अभी वो हो सकता है वो रिस्क ले ले, ऐसा आप सोचते हो उनके बारे में। अगर वो चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। और किसी किसी के बारे में, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी चुप रहेगा, रिस्क लेना चाहेगा भी तो भी नहीं लेगा क्योंकि उनका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उनको रोकेगा। फिर देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे। जैसा आप सोच रहे हो कि वो चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे। कार्ड आए एस ऑफ सोर्स का कार्ड, फोर ऑफ सोर्स का कार्ड, द एम्परर का कार्ड। वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे इसके बारे में वो अभी सोचेंगे। वो अभी अपने पावर पे है क्योंकि उनको सारी बातों की क्लैरिटी है उनके पास। लियो, आपकी पर्सन के पास सारी बातों की क्लैरिटी है। मुझे लगता है पुराना जो आप लोगों का जो रिश्ता था उसमें अगर कोई प्रॉब्लम थी तो अभी वो खुद को हील कर रहा है। वो कोई भी अगर डिसीजन लेगा तो उनको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। खुद को वो अभी हील कर रहा है, उनके पास सारी बातों की क्लैरिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में जो भी परेशानी थी वो सारे परेशानी से खुद को अलग कर रहे हैं, खुद को निकाल रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, बातों की क्लैरिटी, रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। इसलिए उनका जो परेशानी था वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं और उनके जो काम के नहीं है उनके लाइफ में से वो भी वो निकाल के फेंकेंगे। और अभी जो है वो नई शुरुआत आपके साथ चाहते तो है, पहले वो खुद को हील कर रहे हैं, फिर जाके वो कोई डिसीजन लेंगे। और जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही हर डिसीजन होगी उनके लिए, लेकिन वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी वो रुका हुआ है, अभी वो डिसीजन नहीं लेगा क्योंकि वो खुद को हील कर रहा है। खुद जो परेशान थे, दुखी थे इस रिश्ते में, वो उस दुख को अपने अंदर से निकाल रहा है, उस परेशानी को निकाल रहा है जिस कारण वो दुखी थे। अगर किसी पर्सन के कारण वो दुखी थे, किसी बात के कारण वो दुखी है, वो सारे बातों से खुद को हील कर रहा है। अभी वो कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते तो है, नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन वो नहीं लेंगे। अभी कोई एक्शन वो नहीं लेंगे, अभी वो चुपचाप रहेंगे। जो पहले भी कार्ड में आया था, उनको रिश्ते में नई शुरुआत चाहिए लेकिन वो रुके हुए हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस हार्मेट कार्ड के साथ हमें पहले पता चल गया था कि वो क्या सोच रहे हैं। वो रिश्ते की नई शुरुआत चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो उसमें घर की बड़े भी उनके साथ दे, वो कोई सॉलिड डिसीजन लेना तो चाहते हैं लेकिन पहले वो खुद को हील करना चाहते हैं। वो जो खुद परेशान है उस परेशानी से खुद को बाहर निकलना चाहते हैं। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स जी क्या गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं
कार्ड आया है, द फूल का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लियो, हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में कोई हो सकता है, या 12 के 12 राशि हो सकता है क्योंकि एम्प्रेंस का कार्ड आया था। तो यूनिवर्स जी की गाइडेंस की देखते हैं क्या गाइड करते हैं यूनिवर्स जी। यूनिवर्स जी आप लोगों से ये बोल रहे हैं, कार्ड आया द फूल का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एंड एट ऑफ वंड्स का कार्ड। यूनिवर्स जी ये कह रहा है कि पहले आप अपने रिश्ते में काम कीजिए, खुद को स्टेबल बनाइए, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए और खुद का जो पोजीशन है उसे अच्छा कीजिए और इस रिश्ते में भी मेहनत कीजिए, खुद पर भी मेहनत कीजिए और रिश्ते को एक नई शुरुआत दीजिए, रिश्ते में नई शुरुआत लाइए, फिर आप अपने प्यार के कप लेके, प्यार लेके उनके पास जा सकते हो। आप दोनों में से कोई अगर चाहते हो, जो भी चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत, वो पहल कर सकते हो, कोई भी कर सकता है पहल, आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो रिश्ते की शुरुआत आप करोगे दोस्ती से कीजिएगा। पहले जैसे आप में जो मैच्योरिटी थी, लियोज वैसे भी बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो थोड़ा प्यार को थोड़ा कम ही, प्यार के लिए उनके पास वक्त थोड़ा कम ही होता है, उनको प्यार मिलता भी कम है। तो यूनिवर्स जी ये गाइड कर रहा है कि आप लोग खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, खुद को स्टेबल बनाइए, रिश्ते को स्टेबल बनाइए और फिर अपना प्यार एक दूसरे के प्रति दिखाइए। और इस बार अगर आप प्यार की शुरुआत करते हो तो ये शुरुआत ज़रूर दोस्ती से कीजिएगा, शून्य से कीजिएगा। पहले की जो स्थिति थी आप लोगों की, हो सकता है आपका रिश्ता पुराना रिश्ता है, फिर भी आप इस रिश्ते को नई तरह से शुरू कीजिए, पहले की पुराने सारे बात भूल जाइए। इन 72 घंटों में अगर आप चाहते हो तो एक दूसरे के साथ रिश्ते में फिर से आ सकते हो, बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पुरानी कोई भी बात आप याद ना करो, पुरानी बातों को अपने रिश्ते में ना लाओ, रिश्ते की नई शुरुआत करो, रिश्ते में मेहनत करो और अपने प्यार को एक अलग ही नज़रिए से देखो, दोस्ती से देखो, पहले दोस्ती करो फिर प्यार करो। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी से रिश्ते को निभाओ और फिर से रिश्ता ख़राब हो जाए। तो रिश्ते की शुरुआत इस बार जो करना, प्यार से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।